नमस्कारम। आज ज्ञानवापी मस्जिद का जो वर्डिक्ट आने वाली थी वो आ गई और कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि वहाँ पे तहकीकत होगी और एडवाइजरी कमेटी का जो जो ऑफिसर आते हैं उसको कोई भी रोक नहीं सकते, वो जहाँ चाहे वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करके वीडियो निकाल के वो वहाँ पे तहकीकत कर सकते हैं। इवन गर्भालय जो हम लोग बोल रहे हैं वो गर्भालय तक वो जा सकते हैं, ऐसा कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। मगर ये लोग जो मुस्लिम के पक्ष में जो ये वादन लेके आते हैं नेशनल चैनल्स में कि क्या मैं 100 साल का पुराना मेरे घर में आप कोई आकर मैं कुछ मेरा पुराना सा कोई वस्तु है वहाँ पे इसलिए मैं तहकीकत करूँगा और इसको डिस्ट्रॉय करूँगा, ऐसा करके कोई कह सकते क्या बोल के ऐसा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और 1991 वर्शिप एक्ट इसमें क्यों नहीं लगाया जाता है, उसका फिलॉसफी कहाँ गई? तो और ये लोग जब भी उनका मज़हब के बारे में आए तो ये भड़क जाते हैं, मगर दूसरे अपने मज़हब को कितने भी बर्बाद करो वो चुप रहने के लिए आशा करते हैं। मगर मैं कहती हूँ ये लोग एक जब ये फिलॉसफी ये सब हम कोर्ट को मानेंगे जब ये डिस्प्यूट था क्या, तो वहाँ पे ये मस्जिद है, मस्जिद इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बोल के सुप्रीम कोर्ट कई बार बोली है। तो ये मुल्ला मौलवी आपस में बातचीत करते हिंदुओं को क्यों वो डिस्प्यूटेड एरिया सौंप नहीं देते? तो मेरा जो यहाँ पे सवाल उठाना था वो उठा नहीं रहे है चैनल्स पे, वो इसको एड्रेस करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। वो दो बात है, एक वर्शिप एक्ट में ये मस्जिद आती है कि नहीं, आंसर है नो, क्योंकि ये इसका पूरा हिस्ट्री हम जब देखेंगे तो ये वर्शिप एक्ट का में प्रोविज़न है अगर ये कल्चरल मॉन्यूमेंटल है तो ये इसमें नहीं आते हैं ये वर्शिप एक्ट। दूसरा सवाल ये है कि क्या हम लोग अब भी वो डकोरियन लॉ जो ब्रिटिशर्स ने हम पर थोपा गया है, जो रेवोल्यूशन इस देश में नहीं आना चाहते थे ब्रिटिश, वो लोग जो रूल्स बनाए जो इन जो भी ये आक्रांतकार यहाँ पे आकर हंगामा मचाए वो अभी इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स के बाद भी वही वैसे ही चलना है या कुछ डेवलप करना है? क्या डेवलपमेंट एक क्यों नहीं होती है? जब भी हमारे राम जन्मभूमि का नहीं तो किसी मस्जिद हमारे मंदिर पर बनाया हुआ है ऐसा कुछ बातें करेंगे तो इन लोगों को जल्दी में एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के बारे में, तो ये क्यों नहीं डेवलपमेंट की बात आती है? ये बात कोई नहीं पूछ रहे नेशनल चैनल में, क्यों ये वही आक्रांतकारों का जो भी यहाँ पे हंगामा कमाचा के यहाँ पे सैकड़ों लोगों को मरवा के यहाँ पे जो रक्त सिक्त करके गए वो वही आइडेंटिटी हम क्यों कितने साल हमारे बोझ पर ऐसे तोप के चलेंगे कि हम लोग हार गए, हम लोगों को किसी ने रूल किया? ये मानसिक साइकोलॉजिकल किलिंग क्यों करना चाहते हैं ये लोग? ये पहला प्रश्न पूछना है। ये अभी कोई ग्रुप को मायना मिनॉरिटी या मेजॉरिटी बोलना है तो कुछ ना कुछ हम लोग वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन और उनका कोई भी एग्जामिनेशन करके ही, तो तब तो उनको प्रॉब्लम कोई बुक कोई कुरान कोई हदीस कुछ खराब नहीं दिखता। मगर यहाँ पे जब एक स्थल पे सिविल सूट पे अगर कोई एडवोकेट आकर तहकीकत करे तो इनको ऑब्जेक्शन आ जाती है, ये लोग हाईकोर्ट जाने वाले हैं। तो मैं बोलती हूँ जो भी मुसलमान है जो भारतीयता हम इंडियन कोर्ट्स को मानेंगे, हम भारतीय मुस्लिम हैं बोलने वाले, जब भी IAS टेररिस्ट कुछ के बात आए तो हम खुद को भारतीय मुस्लिम बोलने वाले, तो ये भारतीय मुस्लिम को मालूम नहीं है क्या यहाँ पे हिस्ट्री क्या है? तो ये भारतीय नहीं है, ये लोग इक्वल टू वो जो
आक्रांतकार आए हैं उनकी तरह माइंडसेट लेके यहाँ पे जीने का कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि जब इंडिया में रहते हैं इंडिया का हिस्ट्री मालूम पड़ना है, इंडिया का कल्चर मालूम पड़ना है, तभी आप लोग पीस रिलीजन कहलाएंगे। और नहीं तो आप पीस रिलीजन बाय वर्ड्स नॉट बाय कुरान बोल के ये समझ में आता है। ये मोहम्मद की बात की तरह नहीं चलेगी भारत में। कि जैसे मोहम्मद ने बोला कि आपका रिलीजन आपका है, हमारा रिलीजन हमारा है, आप आपका करो हम हमारा करेंगे, ऐसा कुछ गड़बड़ स्टेटमेंट ने जब कुरान में रिकॉर्ड हुआ स्टेटमेंट आप यहाँ पे उल्लेख करेंगे, आप उसको रिपीट करके हमको हिंदू को बोलकर आप पीस कम्युनिटी बोलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। बात पर टिका होना चाहिए, क्योंकि जैसे मदीना में जो ट्रिक अपनाया गया है एक्सपेंशन का, इस्लाम का एक्सपेंशन का, ऐसा ट्रिक इंडिया में नहीं चलेगा। हमको कुरान का सच भी मालूम पड़ रही है और आपका पीस होने का जो नाटक है वो भी सामने आ रही है। मैं इतना कड़वा बात बोलना भी आपको ये होगी, मगर सच को कभी ना कभी बोलना चाहिए। तो सच ये है कि भारत में जो भी कितने भी कब्जा हुए लैंड को वो जब आप वापस देंगे तभी ये आपसी में भाईचारी रहेगी, हिंदू मुस्लिम भाईचारी बने रहेगी। नहीं तो आप एक आक्रांतकार की तरह वही बात पर डरे रहेंगे, हम कोर्ट लोअर कोर्ट नहीं तो हाई कोर्ट जाएंगे, आप डेज डिले करके सालों साल भर यही नाटक करेंगे, ये अब पब्लिक थक गई है। हमको इमीडिएट आंसर चाहिए, इसके लिए आपको इधर बातचीत पे आना चाहिए, नहीं तो जो कोर्ट्स ऑर्डर देती है उस पर आप टिकान होना चाहिए। ये माइनॉरिटी किसका, नहीं ना ही उनका कुरान का, ना ही उनका हदीस का कोई, ना ही उनका को हदीस का कोई इंसल्ट नहीं है। आप अगर कोर्ट का मान लिया तो ये इंसल्ट नहीं है, क्योंकि जब भी कुछ टेररिज्म का सीन आती है तो आप लोग माइनॉरिटी का विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और बोलते हैं हम भारतीय हैं। भारतीय मुस्लिम होने से आप वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होते, नेशनल एंथम के लिए खड़े नहीं होते और नेशनल फ्लैग को सल्यूट नहीं करते हैं। आप कुरान को सामने रख कर बोलते हैं ये अलाउड नहीं है। जब भी आपको कुछ मस्जिद का प्रॉब्लम आए तो आप लोग हम कोर्ट के मानेंगे, जब वर्डिक्ट आ जाती है तो वो वैसे जैसे लोग हम सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट अल्टीमेटम, उसको हम मानने की ज़रूरत नहीं है बोल के वो बोलते हैं। मगर इस भड़काने का स्टेटमेंट हम लोग जब देखते हैं तो हमको तकलीफ होती है। जब आप भारतीय मुस्लिम हैं तो क्या आपको हिस्ट्री मालूम नहीं है? जब तक आप ये नाटक करेंगे ये और भी तकलीफ़ में ये सॉल्यूशन चले जाएंगे। अगर आपको भाईचारा रखना है तो आप कोर्ट्स का मान कर ये हिंदूस का जो भी कब्जा हुआ टेम्पल्स है वो आप सौंपते थे तो कुछ बातचीत रख के ये अच्छा होगा। क्योंकि मैं ये इसीलिए इतना स्ट्रांगली एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि इस देश में लोअर कोर्ट्स हाई कोर्ट्स है सुप्रीम कोर्ट है, मगर अगर जो दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया तो ट्रिब्यूनल है। मगर वकाफ बोर्ड ने ये कांग्रेस लोग ने इतना बड़ा चढ़ा के उसको इतना राइट्स दिए कि वो एक साइड ट्रैक कोर्ट की तरह उन लोगों को ट्रिब्यूनल की तरह बन गई है। जब तक हिंदू को अगर ये सही है तो इस देश में साइड ट्रैक कोर्ट जैसे वकाफ बोर्ड की तरह चलना सही है तो मेजॉरिटी रेन हिंदूज को भी एक बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लैंड हिंदूज का है तो उनको भी एक बोर्ड होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अपील करना चाहती हूँ, कैसे वकाफ बोर्ड को इतना राइट्स दिया गया है, क्योंकि अगर एक हिंदू का कोई लैंड वकाफ बोर्ड ने छीन लिया तो हिंदू को कोई सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना सिविल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लोअर कोर्ट में कहीं पे भी उन्होंने सिविल सूट डालने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो फिर से वही वकाफ बोर्ड जो विक्टिम है वो जो वकाफ बोर्ड ने छीना उसी वकाफ बोर्ड के पास जाकर अपना अपील दर्ज करे तो वो जो मुस्लिम्स ज़्यादा उस बोर्ड में जो कमिटी मेंबर्स बनेंगे वो जजमेंट देंगे क्या इस हिंदू को उसका लैंड देंगे या नहीं।
तो मैं बोलना चाहती हूँ, अगर ये सही है तो हिंदूज को भी हिंदू बोर्ड होना चाहिए, और अगर वक़ाफ़ बोर्ड ट्रिप, मैं कभी से बोल रही हूँ, ये मेरे कई अन्य वीडियो में भी है कि वक़ाफ़ बोर्ड का जो भी यहाँ ये गलत हो रहा है उसको ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है, तो प्रशासन को भी कुछ करना चाहिए। तो हमको भी मांग है, डिमांड करना है कि हिंदू बोर्ड भी होना चाहिए, टेम्पल्स को भी फ्री करना चाहिए, तभी ये जो मेजॉरिटी का फेथ पर जो भी दबा, जो भी आक्रांतकार और जो भी ब्रिटिश ला के यहाँ पे रख दिए, उसी को कंटिन्यू करते हैं जो कांग्रेस ने रूल किया। अब हम थक गए हैं, हमको न्यू ला होना चाहिए। इधर टेंपल्स फ्री करना है, वक़ाफ़ बोर्ड की तरह हिंदू बोर्ड भी बनना चाहिए। जो भी टेंपल्स कब्जा हुए हैं उसको हमको वापस देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तथ्य पे जाती है तो तथ्य ही देखकर हम बोलना चाहिए। हर एक कब्जे हुए टेंपल पर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आप लोग क्या समझते हैं इसको, आप कमेंट करके बोलिए। जय हिंद, जय भारत।